So what's up everyone, this is Sai Chauve. Welcome back again to the another tutorial. So guys, आज हम लोग कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं फोटो एडिटिंग का. होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसा कि आपको हमेशा लगता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड है, उसके बाद हम लोग ये विंग्स को ऐड कर लेंगे अच्छे से पर्टिकुलर जगह पे. तो ऐड कर लेते हैं फिलहाल. विंग्स ऐड हो चुकी है, अब हम लोग दूसरा चीज ऐड करेंगे. तो ये फ्लेयर की पीएनजी है, इसको स्क्रीन पे करके वहाँ पे लगा लेंगे. और फिर इरेज टूल पे थोड़ा थोड़ा जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ से हटा लेंगे. तो गाइज, अगर आपको कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो आप कम्युनिटी टैब में या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल सकते हो कि भाई मुझे इस वीडियो पे, मतलब इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए. और हम लोग एक सीरीज़, मतलब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें बेसिक्स और प्रोफेशनल कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि फ़ोटो एडिटिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो चीज़ जानना ज़रूरी है. जैसे कि सबको बैकग्राउंड इरेज करना आना चाहिए. तो ऐसा ही जो मेन टॉपिक है और जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर वीडियो अलग से बनेगी. तो कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक करो. चैनल पे जब जाओगे होम रहती है, फिर वीडियो रहती है, फिर प्लेलिस्ट रहती है, फिर कम्युनिटी पोस्ट आती है, कम्युनिटी टैब. तो वहीं पे पोस्ट की हुई है एक, वहाँ जाओ चेक करो और वोट करो, या नहीं तो अपना कोई टॉपिक है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो. तो होप कि आपको अभी तक, मतलब एडिटिंग सब समझ में आ रही होगी स्टेप बाय स्टेप. काफ़ी आराम से करके दिखा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप भी आराम से देखो. सो बैकग्राउंड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग अपना फ़ोटो को ऐड करेंगे. तो ये रहा हम लोग का फ़ोटो. काफ़ी ब्राइट है क्योंकि ये सनलाइट में, डेलाइट में लिया गया था, तो इसको मैच करना पड़ेगा बैकग्राउंड से. तो वो कैसे करते हैं चलो सीखते हैं. तो जब भी ऐसा केस हो कि फ़ोटो और बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा हो तो आपको करना क्या है, इफ़ेक्ट में जाना है. इफ़ेक्ट में जाने के बाद कलर पे जाना है. कलर पे जाने के बाद ब्राइटनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर फ़ोटो की ब्राइटनेस एकदम कम कर देनी है कि बैकग्राउंड से मैच कर सकें, क्योंकि बैकग्राउंड भी बहुत डार्क है, नाइट का फ़ोटो है वो, तो आपका फ़ोटो भी नाइट की लगनी चाहिए. तो हम लोग 38 के करीब मैंने रखा है, ठीक है. तो उसको उतना करने के बाद हम लोग एक बार और ब्राइटनेस वाले ऑप्शन जाएंगे और शोल्डर और हेड के पास थोड़ा सा वहाँ का ब्राइटनेस ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बताता हूँ पहले इतना कर लेते हैं फिर बताते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा. तो ऐसे हल्का हल्का करना है, ब्राइटनेस बढ़ा लेना है साइड साइड का. और ब्राइटनेस ऐसे कब बढ़ाया जाता है, जब आपको किसी ज़्यादा लाइट को जब बॉडी पे रिफ्लेक्ट करनी रहती है, तो ऐसे जब साइड साइड आप बॉडी पार्ट बढ़ा लोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ पीछे की लाइट जो है वो आपके बॉडी पे रिफ्लेक्ट कर रही है. तो वो एक काफ़ी रियल सा लुक आता है और अच्छा सा लगता है, जैसा कि आप अभी देख सकते हो. एक अभी PNG हम लोग ऐड करेंगे जिससे कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा और फोटो बहुत अच्छे से मैच कर जाएगा, ठीक है. तो चलो वो करते हैं. ये येलो PNG है, इसको हम लोग हेड के पास रखेंगे तो काफ़ी अच्छा से कलर आ रहा है हेड पे और लग रहा है जैसे हाँ एकदम रियल है और मैच कर रही है काफ़ी अच्छे से फोटो. फिर एडजस्ट वाले टूल पे जाएंगे, टूल के ऑप्शन में एडजस्ट वाले पे जाएंगे, फिर हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा और भी पार्ट पे ऐसे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे. जैसे हाथों पे बनाया मैंने, वैसे ही जिस जिस पार्ट पे पहले बनाया था वो उसी उसी पार्ट पे दोबारा से हल्का बना तो और अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा. ऐसे ही करना, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस आराम से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा. कुछ लोग होते हैं स्किप कर करके देखते हैं कि
तो अच्छे से समझ नहीं आता, फिर गंदे गंदे कमेंट करेंगे या तो डिसलाइक करके चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा उनको तो, ये उनकी प्रॉब्लम है। खैर इन सब बातों पे हम लोग नहीं आना चाहिए। तो हम लोग ब्राइटनेस को अच्छे से रख लेते हैं, 16 के करीब मैंने रखा है, ओवरऑल फ़ोटो बन चुकी है। सो अब हम लोग को बस ड्रॉ टूल में जाना है, फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और लॉकडाउन का टाइम यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो।